हेलो गाइस, मैं हूं विभूति ओझा और आज के इस वीडियो में हम लोग ये ट्रेजरर बॉक्स मॉडल करना सीखने वाले हैं। तो हम लोग इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे, किस तरीके से हम लोग इसको मॉडल करेंगे, अनरैप भी करेंगे, टेक्सचर भी करेंगे। और ठीक, तो पहले हम लोग यहाँ बेसिक शेप ड्रॉ कर रहे हैं। ये इस वीडियो का पार्ट वन है, ठीक है? तो पार्ट वन में हम लोग बेसिक शेप मॉडल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं एक सिंपल क्यूब ले रहा हूँ और इसको स्केल कर लेते हैं, ठीक है? ग्रिड के ऊपर रख लेंगे और अब ये नीचे का पार्ट बनाते हैं, ठीक? तो आपसे स्केल करके, ठीक है, तो यहाँ नीचे वाला ही पार्ट हम लोग बना लेंगे। मैं वर्टेक्स मोड में आते हैं और चारों वर्टेक्स को सेलेक्ट करके हल्का सा अंदर की तरफ लेंगे और हल्का सा इधर से भी अंदर की तरफ लेंगे, ठीक है? तो दोनों तरफ से लेंगे। और साइज अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा बड़ा है या ज्यादा छोटा है तो आप बाद में इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक? तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से इसकी थिकनेस ज्यादा होगी, हल्का सा ज्यादा होगा, हल्का सा मैं इसको कम कर लेता हूँ, ठीक है? ये हो गया। अब ये नीचे वाला जो बॉक्स है वो बनाते हैं, ठीक? तो मैं एक पार्ट में बनाऊंगा और दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, मिरर कर देंगे। तो मैं इस पार्ट पे सिर्फ बना रहा हूँ, दूसरा पार्ट को हम लोग मिरर कर देंगे। दोबारा से एक मल्टी कट टूल ले रहा हूँ और कंट्रोल वी से बेवल और एक सेगमेंट नेचुरली स्ट्रेट आ ही जाएगा, ठीक? और एक सेगमेंट, एक तो बीच में ये हो गया और एक सेगमेंट यहाँ पर आएगा। कुछ यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है? फेस और एक यहाँ पर भी आएगा, तो मैं एक यहाँ मिडिल में करके मल्टी कट टूल से डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ। तो एक अप्रोक्स यहाँ पर और एक अप्रोक्स यहाँ, ठीक है? फेस में इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको डी सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है? तो राइट क्लिक, इसको पकड़ेंगे और कंट्रोल ई एक्सट्रूड और इसके ऑफसेट की वैल्यू को हल्का सा कम करेंगे, 0.29 ही रखते हैं, ठीक है? और इन फेस को इसको डिलीट कर देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिमेट्री करने वाले हैं, ठीक? इसका कोई काम नहीं है हमें। आर से स्केल और इसको स्ट्रेट करेंगे। तो लास्ट जितना था ऑफसेट 0.29 था, तो 0.29, ठीक है, हो गया। और यहाँ पर भी है, तो मैं यहाँ पर भी फटाफट बना लेता हूँ। तो एक सेंटर में एक मिडिल क्लिक करके देंगे और इसको भी फिर हम लोग बेवल करने वाले हैं। फ्रैक्शन को ऑलमोस्ट इतना रखेंगे, ठीक है? और इसको भी 0.29 ही करते हैं, 0.29, ठीक है? तो मुझे यहाँ से ये कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको हल्का सा और स्केल कर दूंगा, ठीक है? तो अभी ये तो हो गया। सेम यहाँ पर भी चाहिए, तो मैं एक मिडिल क्लिक ही करूंगा और एक यहाँ पर भी सिमेट्री डाल देंगे, ठीक? अगर आपको सिमेट्री नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, ठीक? मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और ये चीज मुझे इस तरफ भी चाहिए, तो मैं इसका एक सिमेट्री निकालूंगा। सबसे पहले मैं व्यू पोर्ट पे आ जाता हूँ और सबको पकड़ के स्केल करेंगे, ठीक है? और मेरा पिवट पॉइंट किधर है, इस तरफ है, ठीक? तो मुझे वी एक्सिस में चाहिए, ठीक है? तो ये जी एक्सिस हो गया। यहाँ से मैं एडिट में जाऊंगा, डुप्लीकेट स्पेशल में जाएंगे और रिसेट करेंगे और ये एक्स वाई जी, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री डिलीट कर देंगे, ठीक है? हिस्ट्री आप इसकी डिलीट कर दीजिएगा, एडिट में जाइएगा, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, ठीक है?
उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे डुप्लीकेट स्पेशल, और एक बार सबको रीसेट करके जी में -1 और फिर अप्लाई करेंगे तो ये अपोजिट सेट में आ गया। ठीक है, तो ये देखिए जो आगे है वो इस तरफ भी लग गया। अब सेम हमें यहाँ पर भी चाहिए, तो मैं इन दोनों को सबसे पहले कंबाइन करूंगा। दोबारा से एडिट में जाएंगे, डिलीट बाय टाइप, हिस्ट्री में जाएंगे और इसके पिवोट पॉइंट को दोबारा से हम यहाँ पर रखेंगे। तो पिवोट पॉइंट ये आपका गिज्मो जो हो गया, इसको हम लोग इस गिज्मो को हम लोग मूव भी कर सकते हैं। हम लोग जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए, तो इसको मूव करने का तरीका मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो आप डी प्रेस करेंगे तो इसका कमांड बटन एक्टिव हो जाएगा। आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, जहां पर आप इसके गिज्मो को ले जाएंगे, ये वहीं से रोटेट ट्रांसलेट होगा, वहीं से ये रोटेट होगा, वहीं से ये स्केल होगा। ठीक है, तो इधर इसका गिज्मो जिस तरफ रहेगा उधर ही से ये इसका ट्रांसलेट रोटेट और ये होगा। और अगर बाय चांस आपका गिज्मो अगर हट गया है, यहाँ से अगर यहाँ आ गया, दोबारा से आपको इसके सेंटर में लेके आना है, तो यहाँ पर आपको मॉडिफाई में सेंटर पिवट मिल जाएगा। ठीक है, सेंटर पिवट कीजिएगा, वापस से गिज्मो इसके अपने ओरिजिनल प्लेस पे आ जाएगा। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, इसके गिज्मो को यहाँ पर लूंगा। ठीक, तो मैं डी प्रेस करूंगा और कीबोर्ड से वी प्रेस करूंगा। जब मैं वी प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए वर्टेक्स जो है वो ब्लिंक करने लग रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ जब मैं एक्स प्रेस करूंगा तो ये ग्रिड का हो रहा है। अब ये क्या है, ये स्नैपिंग पॉइंट है। अगर मैं इसको ऑन करूंगा और इसको फिर मूव करूंगा तो ये जितने भी ग्रिड है उस ग्रिड के लाइव लाइन पर जाकर के ऑटोमेटिक स्नैप होने लगेगा। ठीक है, सेम उसी तरीके का ये कर्व है, तो मेरे पास अभी कर्व नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा। और ये है पॉइंट। ठीक है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ स्नैप टू पॉइंट, तो ये पॉइंट है। तो जहां जहां आपको पॉइंट है, बेसिकली ये ग्रिड पर काम नहीं करेगा। आपको अगर आप फेसेस पर कुछ काम कर रहे हैं तो इनके फेसेस ये है ना, ये फेसेस मान लीजिए ये है, तो इसके ऊपर चार पॉइंट्स हैं, मतलब चार वर्टेक्स हैं। तो 1 2 3 4 है ना, तो ये चार वर्टेक्स है, तो ये वर्टेक्स के ऊपर जाकर के ग्रिड स्नैप होगा। जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये ऑन है, तो अब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये अगल बगल में जो भी वर्टेक्स है उस पे जाकर के चिपकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको स्नैपिंग शायद समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं इसको डी वी प्रेस करूंगा, वी इसका शॉर्टकट की है, डी वी प्रेस करूंगा और गिज्मो को मैं यहां पर लेकर के आऊंगा। ठीक, अब मैं इसका सिमेट्री करने वाला हूँ एक्स एक्सिस में। तो दोबारा से एक बार हिस्ट्री पहले डिलीट करने दीजिएगा, और एडिट में डुप्लीकेट स्पेशल, और एक बार दोबारा से इसको रीसेट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले वैल्यू दी हुई थी, और इस यहाँ पे -1 करेंगे। ठीक, तो ये हो गया है। ठीक है, और एक चीज आप देखेंगे कि इस ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है ना, ये सेंटर का कुछ ज्यादा बड़ा है, तो हमें क्या करना होगा, अभी इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैश में जाऊँगा, या मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और इसको मैन्युअली मैं यहाँ से कर लेता हूँ पहले। तो 4 प्रेस करेंगे और हल्का हल्का बस इसको मूव कर देना है। ठीक है, ताकि इसका स्पेस कम होने हो जाए हल्का। ठीक है, तो इसको हल्का मूव कर दीजिए, हल्का इसको मूव कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा और आप चाहें तो और मूव कर सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा और आप चाहें तो और मूव कर सकते हैं, और इसको भी थोड़ा सा आप चाहें तो और मूव कर सकते हैं। ठीक है, बाद में मुझे लगेगा तो मैं दोबारा से इसका इसको मैं दोबारा से एडजस्ट करूंगा। ठीक, दोबारा से इसके हिस्ट्री को फिर डिलीट करेंगे और एडिट में जाएंगे, डुप्लीकेट स्पेशल, रीसेट, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 करेंगे। -1 मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये देखिए ये अभी एक्स एक्सिस में है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है, ये ऊपर का वाई एक्सिस है, पीछे जेड एक्सिस है जाएगा। ठीक है, और इधर एक्स एक्सिस है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब मुझे इस तरफ चाहिए तो मुझे निगेटिव एक्स एक्सिस करना होगा, तो निगेटिव एक्स क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ से डुप्लीकेट स्पेशल, और ये स्केल की वैल्यू है, ये ट्रांसलेट की वैल्यू हो, ये रोटेट, ये स्केल, ट्रांसलेट एक्स वाई जी, रोटेट एक्स वाई जी, स्केल एक्स वाई जी। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं x में -1 कमांड इसको दूंगा कि ये -1 पे जा करके आ जाए। ठीक, तो अभी ये ठीक लग रहा है लेकिन थोड़ा बहुत इसमें है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत ये ज्यादा बड़ा लग रहा है, सो थोड़ा स्क्वायर टाइप का लग रहा है, तो मैश में जाएंगे, कंबाइन करेंगे और अब इसको मैं मैन्युअली ही इसको मैं देख लेता हूँ। तो इस दोनों को पकड़ेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा स्केल करेंगे। ठीक, इसको भी और इसको भी, ठीक है, हल्का हल्का जरा सा स्केल कर देंगे, ये हमें रेक्टेंगल चाहिए। ठीक, और ये ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और यहाँ से भी थोड़ा सा स्केल कर देते हैं, हल्का सा, हल्का सा स्केल कर देंगे। ठीक है, तो ये आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबको अंदर की तरफ एक्सट्रूड करना है हमें। ठीक है, उससे पहले आपको एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, ये वाला लाइन प्रॉपर थोड़ा स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, हल्का सा जाकर के टिल्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसको सेलेक्ट करेंगे और हल्का सा, सॉरी, हल्का हल्का इसको, हाँ ठीक है, अभी थोड़ा स्क्वायर टाइप का आ रहा है, तो ये इधर भी हो ही गया होगा। अभी इन सबको पकड़ के एक्सट्रूड कर देंगे हम लोग, तो इसको इसको और शूट करेंगे, ज्यादा नहीं करना है, हल्का सा हमें करना है। ठीक -0.18, ठीक है, इतना सही है। यहाँ पर एक बीच में फेस आ रहा है, इस फेस को आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है, अभी हमने कंबाइन किया हुआ है, ये मर्ज नहीं है अभी, तो मैं इसको मर्ज भी करूंगा, ये अभी खुला हुआ है। ठीक है, तो इसको सबको सेलेक्ट कीजिए और इसको पहले मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इसको डिलीट कर दीजिए और सभी को सेलेक्ट करके एक बार यहाँ से मर्ज कर दीजिए। ठीक है, और अभी ये ठीक है, -0.18 था, हम लोग सेम वैल्यू यहाँ पर भी रखने वाले हैं, तो कंट्रोल ई एक्सट्रूड और माइनस, ठीक है, तो ये हो गया नीचे वाला पार्ट। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर का भी मॉडल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये ऊपर वाला पार्ट मॉडल कर लेते हैं, तो ऊपर वाला पार्ट मॉडल करने के लिए मैं क्या करूंगा, इन्हीं फेसेस को सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, इन्हीं फेसेस को मैं सेलेक्ट करके मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले तो मेश में जाएंगे और डुप्लीकेट कर देंगे। ठीक है, आप चाहे तो अलग मेश ले सकते हैं, यहाँ से शेल्फ से अलग क्यूब ले सकते हैं। ठीक है, मैं बस जस्ट इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ इसलिए कि क्योंकि ये पहले से इसके ऊपर प्लेस है। ठीक है, मुझे इसी की वैल्यू का चाहिए, तो मुझे बस हल्का सा इसको बस स्केल ही करना और कुछ है नहीं इसमें, इसलिए मैंने यहाँ से लिया और इसको एक बार एक्सट्रूड कर देंगे ऊपर की तरफ। ठीक, ठीक है, तो इतना काफी रहेगा। और एक और चीज, मुझे इन सारे इतने सारे एजेस का कोई काम नहीं है क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, तो
इसमें कोई डिटेल है नहीं, तो मैं बिना मतलब का सीन को हैवी नहीं करूंगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और स्किप भी पावर पॉइंट को सही कर लेते हैं, अभी ठीक है ये। हल्का सा इसका उसका बढ़ा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाएंगे से, ठीक है। दोबारा से मैं इसी को, सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा से मैं इसी को डुप्लीकेट करूंगा और ऊपर ले करके आएंगे, और इसका फेसेस यहां से सब डिलीट कर देंगे, ठीक है। मैं सेम वही चीज है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मैं यहां से प्लेन भी ले सकता हूँ, बट मैं बस इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये पहले से इसके ऊपर प्लेस है, तो मुझे क्या है, मैं यहाँ से प्लेन लूंगा, फिर इसको मैं यहाँ से प्लेन लूंगा, फिर मैं इसको स्केल करूंगा, इससे मैच करूंगा, ठीक है। तो उससे करने से अच्छा है मैं इसी को यूज कर लेता हूँ, मुझे मैच वैच करने की नहीं पड़े जरूरत पड़ेगी, टाइम की बचत होगी, ठीक। ये हो गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक मल्टी कट टूल लेंगे, आप एज लूप टूल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, और इसको ऊपर की तरफ उठा देंगे, ठीक है, थोड़ा इतना ऊपर की तरफ उठा देंगे, और इसको नीचे की तरफ लेंगे हल्का सा, ये हल्का सा ये अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, कि ये थोड़ा सा ये बाहर की तरफ है ना, और इसको भी हल्का सा अंदर की तरफ लेंगे, जरा सा अंदर की तरफ लेना है, ज्यादा नहीं, ठीक, हो गया। और यहाँ पे भी फेसेस चाहिए मुझे, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको क्या करूंगा, बेवल करेंगे दोबारा से, ठीक है। और अभी फिलहाल के लिए तो इतना ही रखते हैं, आ जाते हैं सीधा इसमें, और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेंगे, तो फ्रंट व्यू से मैच करेंगे, देखेंगे सही तो आ रहा है ना, ज्यादा बड़ा नहीं करना है। और ये एक चीज आप देखेंगे कि यहाँ से और यहाँ से मुड़ा हुआ है ना, ऊपर से ही मुड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ से आर से क्या हुआ, आर से मैं इसको ऐसे कुछ हल्का सा ऐसे करूंगा, ठीक है। अभी क्या करना है, एक मैं क्या करूंगा कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मैं एक बनाऊंगा, दूसरा अपने आप बनते जाएगा, मैं सिमेट्री कर दूंगा, तो इसको मैं डी वी करेंगे और ऊपर की तरफ ले लेंगे, ठीक है। हिस्ट्री डिलीट करेंगे, ठीक और जी एक्सिस पे डुप्लीकेट स्पेशल, और इंस्टेंस इस बार कर दीजिएगा, इंस्टेंस करने से क्या होगा, आप एक तरफ काम करेंगे तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिक होना लगेगा, तो ये आपको जी एक्सिस, और अभी देखिए, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ करूँगा तो ये यहाँ पे होगा, ठीक है, बट अगर आप डुप्लीकेट स्पेशल में कॉपी पर जस्ट क्लिक करेंगे, ये जो कॉपी है अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बस एक कॉपी बन करके आएगा उसका, उसमें आप इस तरफ जो काम करेंगे उस तरफ नहीं होगा, सिमेट्री वर्क नहीं करने वाला, ठीक है। अभी मैं एक एज लूप यहाँ पे डाल रहा हूँ, एक एज लूप यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है, अभी फिलहाल दो डालेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो फिर डालेंगे, तो ये है ना, इसको हल्का सा अंदर की तरफ लेना है, ठीक है, और एक एज लूप और यहाँ पर हम
और एक एग लूप डालेंगे थोड़ा और राउंडनेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ये एक राउंडनेस हो गया है, थोड़ा से इसको यहाँ पर कर देते हैं ताकि स्मूथ एक राउंडनेस आ जाए। ठीक है, थ्री प्रेस करेंगे यहाँ पर, थ्री प्रेस करके एक बार चेक कर लेंगे। सही है, अब यहाँ से मुझे दोबारा से एक मल्टी कट टूल लेंगे, एक मिडिल में एक लगा देंगे। ठीक, राउंडनेस करना है। ठीक है, दोबारा से एक मल्टी कट टूल लेंगे और यहाँ पर भी एक मिडिल में क्लिक कर देंगे। ठीक, दोबारा से इसको पकड़ के राउंडनेस करेंगे, तो पकड़ के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा नीचे। ठीक है, तो ये तो बन गया है, थ्री प्रेस करके एक बार चेक कर लेंगे। सही है, सही है। अब अगर आपको इसको और थोड़ा सा मोटा करना है तो आप इसको, मोटा करने का मतलब थिकनेस, अगर आपको और थोड़ा सा थिकनेस देना है तो यहाँ पर हल्का से इसको बढ़ा सकते हैं। मैं एक मल्टी कट टूल यहाँ पर भी एक एज लूप डाल दूंगा और हल्का से इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, एक एज लूप मेरे ख्याल से और आएगा यहाँ पर और इसकी कमियों को पूरा करेगा। ठीक है, तो अभी ये कंप्लीट इस तरीके से हो गया है। ठीक है, और इसको मैं कुछ यहाँ लूंगा, थोड़ा सा ये नीचे की तरफ आएगा, हल्का सा ये भी नीचे की तरफ आएगा, हल्का सा ये भी नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा। अभी इसको इसको सबको एक साथ करेंगे, तो मेश में जाएंगे, सबको सेलेक्ट कर लीजिए, सॉरी इसको और इसको, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, मेश में जाएंगे, कंबाइन करेंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर कंबाइन तो हो गया है बट इसको मर्ज भी तो करना है ना, तो मैं इसको आइसोलेट कर लेता हूँ, यहाँ पर आइसोलेट का ऑप्शन है, आइसोलेट कर लीजिए, वर्टेक्स में सबको पकड़ेंगे और एक बार मर्ज कर देंगे। ठीक है, अभी ये मर्ज हो गया, थ्री प्रेस करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करेंगे, सॉरी यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और अब मुझे यहाँ पे कैप लगाना है। ठीक, तो मैं इसको सेलेक्ट कैप लगाऊंगा यहाँ पर, इसको होल फिल कर देंगे, तो एक करेंगे, सॉरी ठीक है, एक करेंगे, दूसरा मिरर कर देंगे। ठीक है, इसको इसको ब्रिज, इसको इसको, अगर आपको यहाँ ब्रिज का ऑप्शन नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको शायद एडिट मेश में है ब्रिज का ऑप्शन, और यहाँ पर स्मूथ पाथ ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, जी प्रेस करेंगे लास्ट कमांड के लिए, जी। ठीक है, यहाँ साइड से भी थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, दोबारा से इसको इसको जी, और अभी इसको सबको सेलेक्ट करके मेश में जाएंगे और फिल होल करके एक एज लूप मल्टी कट टूल डाल देंगे। ठीक है, यहाँ से हमें क्वाड बनाना है, तो मैं इसको पकड़ूंगा, यहाँ से सेंटर पे लगा देंगे। ठीक इसको पकड़ेंगे, सेंटर पे लगा देंगे, दोबारा से जी इसको पकड़ेंगे, सेंटर पे लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर अब हम लोग इसको नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्वाड चाहिए। मैं यहाँ पर अगर जोड़ दूंगा, यहाँ पर भी अगर मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ फिर ये क्वाड बन जाएगा या ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो हमें हमें नहीं चाहिए, हमें चार पे यहाँ पर वर्टेक्स मिल तो रहा है। ठीक है, अभी दोबारा से जी प्रेस करेंगे और
और ये क्वाड हो गया, ठीक है। तो मैं इधर का मिरर कर दूंगा, थोड़ा सा फ्रंट व्यू पोर्ट में आते हैं और हल्का हल्का ये देखिए यहाँ से निकला हुआ है ना, हल्का हल्का यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको हल्का हल्का जरा जरा सा इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको और अच्छे तरीके से करने के लिए मैं क्या करूँगा कि राइट क्लिक करेंगे, वर्टेक्स मोड में आएंगे और इसको और से स्केल कर लेते हैं, ठीक है। और से स्केल करके यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक। और इस बार क्या करेंगे, मैं यहाँ पर एक ऑप्शन है डिफॉर्म में जाएंगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है लेटिस का, ठीक है। आप लेटिस के सेटिंग में जा करके आपको डिवीजन कितने कितने चाहिए, एक्स वाई जी में कितने कितने वैल्यू रखना है, वो आप डाल सकते हैं अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग जितना आपका जरूरत है। तो मैं यहाँ से लेटेस्ट क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये लेटेस्ट क्लिक होने के बाद अगर आप इस पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स सा बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ग्रुप ऑफ वर्टेक्स को एक साथ पकड़ करके और फिर आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा आगे ले लेंगे, ठीक है। फिर इसको भी आगे ले लेंगे और इसको भी आगे ले लेंगे, ठीक है। इन तीनों को पकड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा और आगे करेंगे, ठीक है। तो अभी ये कुछ इस तरीके से हमारा हो गया है ना। तो जब काम हो जाएगा तो मुझे हिस्ट्री इसकी डिलीट करनी होगी, तो यहाँ से मैं हिस्ट्री डिलीट कर दूंगा, ठीक है। और अब जस्ट कुछ करना नहीं है, यहाँ पर मैं एक मल्टी कट टूल लेंगे, कंट्रोल होल्ड मिडिल क्लिक, ठीक है। वर्टेक्स सारा सेलेक्ट करेंगे, आर से स्केल करेंगे, स्ट्रेट कर देंगे, ठीक। फेसेस को पकड़ेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फेसेस को पकड़ेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। और डी भी प्रेस करेंगे, इसके पिवोट पॉइंट को एकदम कॉर्नर में लेंगे और एक बार हिस्ट्री डिलीट कर देंगे। एडिट में डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री और ये एक्स एक्सिस में, तो एडिट में जाएंगे, डुप्लीकेट स्पेशल और इंस्टेंस करने की जरूरत नहीं, कॉपी कर देंगे, एक बार हिस्ट्री को रीसेट कर देंगे सेटिंग को और डुप्लीकेट स्पेशल कर देंगे। तो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ चला गया है ना, तो मैं इसको एडजस्ट करूंगा। बाहर की तरफ ये क्यों गया है मैं आपको बता रहा हूँ, तो दोबारा से डिलीट कर देंगे। ये देखिए ये एकदम ग्रिड के सेंटर पे नहीं है ना, ग्रिड के ही सेंटर, ये ग्रिड का जो मेन लाइन है, ये ग्रिड का मेन लाइन है, इससे ये थोड़ा सा आगे है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ग्रिड का स्नैपिंग ऑन करके इसको स्नैप कर दीजिए, ठीक है। तो अब ये सही से आ जाएगा, ये इसको डी भी करेंगे, सॉरी सॉरी, यहाँ से ग्रिड ऑफ करेंगे और पिवट पॉइंट को एक बार रीसेट करेंगे और फिर डी भी करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद डुप्लीकेट स्पेशल और सब कुछ दिया ही हुआ है, बस कॉपी कर देना है, ठीक है। तो ये आ गया है ग्रिड के अकॉर्डिंग, ये आ गया, थोड़ा सा इसको बस एडजस्ट कर देना, ठीक। तो अभी हम आएंगे मैश में, कंबाइन कर देंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे, सभी को एक बार सेलेक्ट करेंगे और मर्ज कर देंगे, ठीक। ठीक है, आ गया, रिप्रेस करेंगे तो अभी ये कुछ इस तरह का आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें सपोर्टिंग एज
नहीं डाला हुआ है, तो हम लोग इसमें सपोर्टिंग एज भी अभी डालेंगे। सपोर्टिंग एज डालने से पहले मुझे ये वाला पार्ट भी बनाना है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग पार्ट टू में मॉडल कर लेंगे, इस पार्ट को और ये ताला और ये सब बाकी चीजें हम लोग पार्ट टू में मॉडल कर लेंगे। तो अभी के लिए पार्ट वन को आप देख करके आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं। इसकी हाइट को थोड़ा सा मैं मेंटेन कर सकता हूँ, बाद में आपको लगे कि अगर आप थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो इसको ऊपर नीचे थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी सही लग रहा है तो ये रहा पार्ट वन की वीडियो। अगर आपको कुछ सच चीज समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।